हर बार एलियंस को अमेरिका पे ही अटैक करना होता है। एक्शन के नाम पर ये बार बार देखकर हम बोर हो चुके हैं। डिजास्टर एक्शन मूवी में पूरी सिटी तबाह हो जाती है, लेकिन अपने हीरो को कुछ नहीं होगा भाई। अगर आप फ्यूचरिस्टिक और रियलिस्टिक मूवी देखना चाहते हो तो ये मूवी आपके उस एक्शन का कीड़ा को सेटिस्फाई करेगी। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे 2018 की लास्ट वीक नेटफ्लिक्स पर अपलोड हुई अपग्रेड। आजकल हम ऐसी मूवीज से ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं जो हमारे करंट टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हो। अपनी वाइफ को एक अटैक में खो देने के बाद, खुद पैरालाइज हो जाने के बाद, खून का बदला लेने के लिए एक अमीर साइंटिस्ट इसके बॉडी में एक चिप डालता है, और उसके बाद भाई साहब पूछो मत। मूवी के दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव पॉइंट्स है, इसके बाद आप डिसाइड करना क्या ये मूवी आपके टाइप की है या नहीं। थैंक गॉड काफी टाइम बाद एक रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंस देखने मिले। जितने भी एक्शन सीन्स है मूवी के अंदर सभी बेस्ट है। थोड़ा इस मूवी के बारे में पढ़ने पे पता चला, मोबाइल फोन बॉडी के ऊपर स्टिक करके कई एक्शन सीन्स शूट किए हैं, जिससे आपको कुछ सीन्स में लगेगा आप खुद एक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे इस सीन में ये कैरेक्टर एकदम से खड़ा होता है, मोबाइल फोन के जायरोस्कोप को HD कैमरा पर अटैच करके इसे अचीव किया है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस मूवी का कॉन्सेप्ट और सेट डिजाइन। जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जा रही है, ह्यूमंस भी फ्यूचर में 100% अपग्रेड होंगे, और इसी कॉन्सेप्ट को बिना बड़ा चढ़ा के दिखाया है। जैसे टेस्ला की रिसेंटली फुल्ली ऑटोमेटिक कार आई है, उसी चीज को थोड़ा सा अपग्रेड करके दिखाया है। और इसी ग्राउंडेड लेवल की थिंकिंग की वजह से इस मूवी को आप इस तरह से देखते हो कि 30-50 ईयर्स आगे ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन सिर्फ मशीन ही नहीं लेकिन इंसानों को भी थोड़ा अपग्रेडेड दिखाया है। जैसे इंसानों के हाथ में गन इम्प्लांट करना, बॉडी के अंदर वेन्स और कैपिलरीज के जगह पतले पतले वायर्स, ये सब थोड़ा ब्रूटल तरीके से दिखाया है। आई मीन इतना रियलिस्टिक तरीके से दिखाना सच में तारीफों के काबिल है। मूवी के अंदर पर्सनली मुझे दो नेगेटिव पॉइंट्स लगे। 1 hour 41 minutes की छोटी सी मूवी है, इसलिए किसी कैरेक्टर के अंदर डेप्थ नहीं था। आई मीन इमोशनली कोई कनेक्शन नहीं हुआ किसी से। मूवी कोशिश तो करती है ह्यूमन टच देने में, लेकिन इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट बार बार दिमाग में खटक रहा था, वो है लॉजिक। बिना स्पॉइलर के अगर समझाऊं, इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी दिखाई है जिसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो जब अपना हीरो कुछ इलीगल काम कर रहा है तो उस वक्त ड्रोन का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा। और इतने महान साइंटिस्ट ने दुनिया की सबसे अनमोल चीज एक चिप बनाई है, उसको गली का एक चिंदी हैकर हैक कर लेता है। और चलो मान लिया हैक भी कर लिया, लेकिन जिस बंदे के हाथ में गन इम्प्लांट की हुई है, वो अपने दया की तरह लात मार के क्यों दरवाजा खोलेगा। देखो, जब कोई मूवी आपके दिमाग में घुस जाती है ना, फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो और उसके बाद ही ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स निकल के आते हैं। आप इस पे ज्यादा ध्यान मत देना। मेरा फाइनल कंक्लूजन इस मूवी को लेकर यही है, इंडिया में ऐसे कई हॉलीवुड मूवीज बजट के कारण रिलीज नहीं होती। ऊपर से ये सड़ा हुआ बोरिंग 2020 ईयर, इन सब के बीच एक अच्छी हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पर ये मूवी अवेलेबल है। मूवी के अंदर मुझे कोई एडल्ट सीन नहीं लगा। खून खराबा, ब्लड, चीर फाड़, ये सब भर भर के है। आप चाहे साईफाई मूवीज के फैन हो या ना हो, इसका रियलिस्टिक ग्राउंडेड फ्रेश कॉन्सेप्ट, आउटस्टैंडिंग एक्शन सीक्वेंस और टेक्नोलॉजी आपको डेफिनेटली ये फील करवाएगी कुछ नया देखने मिला। लेकिन जहां जहां हमने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है, वहां डिसअपॉइंटमेंट मिला है। बिना एक्सपेक्टेशन के इस मूवी को देखना और मुझे कल के रिव्यू में बताना कैसे लगी। यूट्यूब के अंदर भी एक ऐसा अपग्रेड आना चाहिए 5-star उन व्यूअर्स को जो वीडियो देखने के बाद लाइक, डिसलाइक या एटलीस्ट फीडबैक कमेंट में देकर जाते हैं। स्वतंत्र देश है, डेमोक्रेसी है, नहीं सुनेंगे आपकी बात। इस लॉकडाउन में अपने लाचार बेचारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। हम जब सुनने वाले हैं ही नहीं। कल फिर से मिलूंगा आपको एक मास्टरपीस हॉलीवुड की हिंदी डब मूवी के साथ, जिसके बारे में आज तक हमने इस चैनल पर बात नहीं की है। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।